हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट ग्रुप के बारे में, वर्डपैड के होम टैब के। ठीक है, तो आखिर इंसर्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है, इंसर्ट का मतलब क्या? देखिए, इंसर्ट का मतलब होता है कि कहीं से कोई चीज़ लाकर डालना। इंसर्ट का मतलब डालना ही होता है। ठीक है, तो अब वर्डपैड में इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि आपको कहते हो ना कि से इस मोबाइल के अंदर आप इंसर्ट कर दो, सिम इंसर्ट कर दो, मतलब सिम को डाल दो। उसी तरह वर्डपैड में क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में समझते हैं, क्या क्या हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो विंडोज़ बटन प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से वर्डपैड को टाइप कर लीजिए और यहाँ से आप इंटर कर लीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इंसर्ट में आपको देता है फोर ऑप्शन। देखिए, इंसर्ट ग्रुप है, ये होम टैब है। अब ये फोर ऑप्शन है, इसमें पिक्चर है, पेन ड्राइंग है, रिटन टाइम है, एंड इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम पिक्चर में जाकर और एक पिक्चर को इंसर्ट करा के देखते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे कोई भी आप ड्राइव, जिस ड्राइव में आपने रखा है, तो यहाँ से हम इस पिक्चर को ला लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। देखिए, पिक्चर जैसे ही हमने इसके अंदर इंसर्ट कराया, तो देखिए क्या होगा, पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब इसको यहाँ से आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरह से। अब इसके नोट्स से इसको बड़ा कर सकते हो। देखो, ये जब तक ले यहाँ पे ये चार ये ऐसा दे रहा है, इसका मतलब कि लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब कि आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो। इस पर जब राइट क्लिक करोगे पिक्चर पे, तो आपको देता है काटने का ऑप्शन, कट, कॉपी का ऑप्शन। जब ये काट लोगे या कॉपी कर लोगे, तो ये पेस्ट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद लिस्ट बनाने का ऑप्शन, उसके बाद पिक्चर को चेंज करने का। तो देखते हैं पिक्चर चेंज का ऑप्शन, और यहाँ से आप अपने पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। हम लोग एमएस वर्ड पढ़ेंगे, उसमें क्लियर करेंगे कि पिक्चर को हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद पिक्चर को आप रीसेट रिसाइज कर सकते हो, यहाँ से हॉरिजेंटल से कितना, तो हम 20% देते हैं। देखिए, लॉक कर दिया है, इसलिए 20-20 दोनों ले रहा है। अगर लॉक हटा लोगे, तो यहाँ से अगर 20-20 दोगे, तो ये 20 जरूरी नहीं है, 20 ही हो। यहाँ से आप 15 भी दे सकते हो और इसको भी कर लो। देख, इस तरह से आप काम कर सकते हो। यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जेड करके ला देते हैं फिर से, कंट्रोल जेड करके, और इसको अंडू, और इसको डिलीट कर लेते हैं। अब ये पेन ड्राइंग मतलब होता है, इसका शॉर्ट होता है कंट्रोल पेंट ड्राइंग करके। आप कुछ भी एमएस पेंट से आप कुछ भी ला सकते हो ड्राइंग करके, तो कुछ भी हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी बना देते हैं, जैसे कि ये बना दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मान लीजिए हम इसके अंदर यहाँ पे फिल कर देते हैं कोई कलर, यहाँ से कोई कलर ले लिया और यहाँ से इसको ले लिया, उसके बाद इस पर क्लिक कर लिया और फिर इसके अंदर ऐसे फिल कर लिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम इसके जो बाहरी है इसको दे दी, इस तरह से आप यहाँ पे ले लिए, और इस तरह से आप कलर को ले लीजिए कोई कलर, इस पर से हो गया। अब इसमें हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ऐसा कलर हमने चुना है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं गुड, यहाँ से ऐसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस तरह से। जैसे हम ये करेंगे और यहाँ से काटेंगे, देखिए वहाँ पे पहुँच जाएगा, पहुँच गया ना, नहीं दिख रहा है, यहाँ से कंट्रोल दबा के देख सकते हो, आपका जो है जो आपने बनाया है वो वहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट जो वर्डपैड है उसके अंदर ये फिट हो चुका है, देखिए इस तरह से। अब इसको आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो, इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल दबा के माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस कीजिएगा, तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप इसके अंदर जो है काम कर सकते हो, छोटा बड़ा, इस तरह से आप छोटा बड़ा छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, इस तरह से ये होता है। ठीक है, इसको हम अगर जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, वो इसमें ये खुल जाएगा, इस तरह से ये किया हुआ है सेट। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद हम बात करें डेट एंड टाइम। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि लिख देते हैं हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ से हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड लिखने के बाद इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से ग्रो फोन से। देखिए, यहाँ से हमने इसको मूव कर दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। इसको सिंपली आप ऐसे सिलेक्ट कर लो और उसके बाद इसको बड़ा कर लो, इस तरह से गुड मॉर्निंग फ्रेंड कर लिया। अब उसके बाद डेट एंड टाइम डालना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर चाहते हो कि डेट और टाइम दोनों डाला जाए। तो सबसे पहले जैसे ही इस डेट एंड टाइम पर क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आएगा। इसमें आपको डेट का फॉर्मेट दिया रहेगा, तो आज हम 22 सितंबर को बना रहे, इसलिए 22 तारीख दिख रहा है।
इस तरह का 22 तारीख का फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो मान लीजिए हम इसमें से ये ले लेते हैं संडे 22 सितंबर, एक साथ आप ले सकते हो। और यहाँ से मान लीजिए हम इसमें क्लिक करके ओके कर लिया, तो देखिए डेट आ गया। अब इसके अंदर अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो आप टाइम में जाओगे। तो मान लीजिए आप कोई भी टाइम लेना चाहते हो, तो मान लीजिए हम ये वाला टाइम ले लेते हैं कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मेट इसको ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो इस तरह से आप टाइम को भी ले सकते हो। तो डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर, देख रहे हैं हम डाल रहे हैं लाकर, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल जेड अंडू, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट वही होता है जैसा है पेंट में। मतलब इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप कहीं से भी कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकते हो। तो ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ से बीट मैप इमेज मतलब कि पेंट से ला देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं कुछ भी, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी। जब इसका डील करेंगे तो ये क्लियर होगा कि पेंट ट्यूटोरियल क्या होता है, पेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से हम सिंपल एक टेक्स्ट ही बना लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बना लेते हैं, जैसे कि लिख देते हैं आई लव माई इंडिया। यहाँ से आई लव माई इंडिया, इस तरह से हमने इसको लिख लिया आई लव माई इंडिया। एक डेमो के रूप में बता दिया कि हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए ये कलर था तो इसलिए इसमें ये कलर सेट हो गया। यहाँ से आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से एरियल मिलता है तो एरियल यहाँ से ले सकते हो। इसको सिलेक्ट करना होगा तब लेगा एरियल, ऐसे नहीं लेगा। यहाँ से एरियल ले लो इस तरह से, और इसको आप साइज को भी मेंटेन कर सकते हो इस तरह से। आई लव माई इंडिया, कंट्रोल जेड ज़्यादा हो गया इसलिए इसने बाहर फेंक दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ से काटोगे देखो उसके अंदर वो फिट हो गया, कंट्रोल दबा के आप देख सकते हो, देखो इस तरह से आपका आ गया, ठीक है। इस तरह से पेस्ट कर दे रहा है, ठीक है, इस तरह से पेस्ट ही कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में डील करेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा ना करे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, इस तरह से हमने इसको कर लिया। और जैसे ही पेस्ट स्पेशल जैसा कर रहा है उसको बताएंगे पेस्ट स्पेशल, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आओगे और इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो, और इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरह से। अब इसके अंदर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है, क्योंकि इसने इस तरह से इसको पेस्ट स्पेशल किया है। यहाँ से आप देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, राइट क्लिक करके ए पेन ब्रश पिक्चर्स आया, यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहेगा कि क्या आप ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली ओपन करोगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। आई थिंक आप सभी का इंसर्ट ऑप्शन क्लियर हो गया होगा मेरे फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, ये वीडियोस अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करना भी ना भूलें, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, गुड बाय माय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।